सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आकाश मिशन नेवी। कैसे हैं आप सब? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ मैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी, और मैं चाहता हूँ कि वो सब क्लियर हो, आपकी भी हो, मेरी भी हो। बिकॉज हमें इस फील्ड में अगर सर्वाइव करना है सो वी हैव टू टेक सम स्टेप्स दैट इज नेसेसरी। एंड फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जिनको खत्म करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक मुहिम चला रखी है। आकाश मिशन नेवी जो है वो अकेला ही काम कर रहा है, अकेला ही काम करेगा हमेशा। एंड ही डोंट नीड एनी सपोर्ट, ही डोंट नीड एनीवन। लाइक कोई आ रहा है तो मोस्ट वेलकम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम मत आओ। सो इट्स ओके, इफ यू आर फ्री यू कैन कम, नो इश्यूज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हो, जैसे तुम्हारे कमेंट्स हैं वो भी आते रहते हैं मुझे। सो आज जो टॉपिक है वो होने वाला है ओपन सीडीसी को पूरी तरह से अवॉइड करो गाइस, बिकॉज चाइना शिपिंग जो कंपनी है उसने ऑलरेडी ओपन सीडीसी को बैन कर दिया है। और जो नए कमर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं मेरे थ्रू और अभी वो ऑलरेडी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनका भी इंडो सप्लाई होना है। क्या होता है ना, जब कोई नई डिजी कंपनी होती है या फिर कोई नई डिजी इंस्टीट्यूट होती है तो वो लोग क्या करते हैं, इंडोस इशू करते हैं। अब तुम बोलोगे सर इंडोस क्या हो गया, तो देखो इंडोस क्या होता है, बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी होती है जो कि डीजी के चैनल में आती है ना। तो जैसे कि तुम्हारी सी फेयर प्रोफाइल समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसके लिए सबसे पहला जो होता है वो इंडोस होता है। तो मेरे कॉलेज ने इंडोस मांगा था अभी कि भाई सर आपके जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं उनके आप इंडोस सेंड कर दीजिए, और डीजी अप्रूव्ड है, पासिंग की भी सारा कुछ जो भी है, कुछ भी इशू आता है आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आ रहा है एनी टाइम आप मुझे फील फ्री होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी जो है सागर बोस है और जो शुभम है जो मेरे डीएनएस कैडेट हैं, वो लोग 7th जेआरटी पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और आज उनकी सेलिंग है इंडिया से, वो लोग बाहर जा रहे हैं। सो बेसिकली रीजन ये है कि देखो ओपन सीडीसी के लिए मैं इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है ये कि ओपन सीडीसी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करो यार। ओपन सीडीसी को इतना मत वो तुम लो या फिर कुछ भी करो कि तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि सागर के पास भी ओपन सीडीसी है, सबके पास ओपन सीडीसी थी। और मेरी जो कंपनी है उसने अभी वो क्लियरली मना कर दिया है कि सर हम जो है ओपन सीडीसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वी नीड दैट आपके पास जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट हो या किसी के पास भी जीपी का कोर्स हो या डीएनएस का कोर्स हो। उसके पीछे क्या है कि जो अपने डीजी है उसने यार कुछ रूल रेगुलेशन बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे एनी हाउ। तो ओपन सीडीसी जो बनाई गई थी वो बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि जो क्रूज शिप पे और शिप पे जो काम कर रहे हैं, जो पनामा वाले डॉक्यूमेंटेशन है उनको अगर सीडीसी चाहिए इंडियन मान लो किसी वैसल पे जाने के लिए, उनके लिए वो बनाई गई थी। और इसको क्या किया लोगों ने, इसको बिजनेस बना लिया है, ठीक है, सबको वो लोग कोर्स करवा रहे हैं। लाइक 35,000 में सारी बन जाती है यार, लाइक 20 से 25,000 के कोर्स पकड़ लो, 700 रुपए की सीडीसी पकड़ लो, मैक्सिमम 30,000 पकड़ लो, मैक्सिमम 35 पकड़ लो, इससे ऊपर नहीं जाता है। उसके भी लोग जो है राजस्थान में इंस्टीट्यूट है और कई इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे लोग 3.5-3 लाख रुपए देके फंस रहे हैं, उनको बस 2-3 महीने रखते हैं और उसके बाद जो होगा व्हाटएवर इट इज, किसी को कोई परवाह नहीं होती। सो इन चीज़ों से प्लीज बच के रहो, क्योंकि मेरे को आने का कोई शौक नहीं है। लाइक सीरियसली गाइस, मुझे मर्चेंट नेवी में भी किसी का काम कराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक चीफ इंजीनियर लेवल का बंदा हूँ। सो आई नो व्हाटएवर इट इज, लेकिन मुझे आना पड़ा इसलिए क्योंकि काफ़ी सारा स्कैम हो रहे हैं, सबसे फ्रॉड हो रहे हैं और इन एजेंटों का मेरा ऐसा है कि मतलब जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, मुझे उनसे इतनी हेट है जिसकी कोई हद नहीं। बिकॉज आप सबका हार्ड एंड मनी होता है यार, माँ बाप कहाँ से पैसा लेके आएंगे, वो भी मेहनत करके लेके आते हैं बेचारे, क्योंकि हमने भी किया है तो हमें पता है कि मेहनत किसको बोलते हैं। और पेरेंट्स का सो है दिल बड़ा छोटा होता है, और उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को मर्चेंट नेवी में भेज रहे हैं तो उसको इतना हेडेक मत लीजिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, इसको लेट इट बी, उसको करने दीजिए। ज्यादा आप हेडेक लेंगे तो आपको इशू होगा, लाइक आपके माइंड में प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी होगा, तो इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हर फील्ड में बच्चा सेटल हो जाता है। इवन तो अगर मैं आपसे ही पूछूं कि भाई आप लोगों ने भी अपना करियर कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग में आप लोगों को भी इशू आए होंगे ना। सो डेफिनेटली इट इज इवन, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए थे जब मैं फर्स्ट टाइम मलेशिया में फंसा था, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके मैं अभी फिर उसके बाद कंपनीज मैंने चेंज की। मैंने हार मानना कभी सीखा नहीं है लाइफ में यार। इवन तो तुम्हें भी यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है, सिचुएशंस हैं जो वो हमेशा एक जैसे नहीं रहती हैं, दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। सो उस रिकॉर्डिंग उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें ढलना होता है। अब फ्रेशर में तुम जाते हो, फ्रेशर का मतलब क्या होता है, जीपी में तुम करके जा रहे हो उसका मतलब क्या है, डीएनएस करके जा रहे हो, टीएमई जा रहे हो उसका मतलब क्या होता है, कि तुम एक ट्रेनी मरीन इंजीनियर हो, तुम सब कुछ एक ट्रेनिंग में हो, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ पढ़ाई की है। रियल जो लाइफ शिप की होती है वो उससे काफ़ी अपार्ट होती है, स्टडी करना एज अ प्रैक्टिकल थिंग, लेकिन जो है आपको शिप पे काम करना है वो करना है, वो एक अलग दुनिया है, ठीक है। सॉरी, वो प्रैक्टिकल है जो आप शिप पे काम कर रहे हो, और जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी मटेरियल्स हैं, दैट इज इट। मतलब पढ़ाएंगे इंस्टीट्यूट में, सिखाते हैं सारी चीज़, अगर तुम जीपी रेट करते जाते हो ना तो तुम्हें शिप के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं, तो उससे क्या है तुम्हारा डर काफ़ी कम हो जाता है। और तुम ओपन सीडीसी लेके जाओगे, तुमने कोई कोर्स ही नहीं किया, लाइक सिर्फ एक चार सीडीसी चार डॉक्यूमेंट ले गए। और एसडब्ल्यू कोर्सेज होते हैं वो तो सेफ्टी के लिए बनाए होते हैं, फायर फाइटिंग हो गया, ईएफए हो गया, एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया, और तुम्हारा शिप सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, बट जो भी मतलब उनके कोर्सेज हैं दैट इज अ कॉमन थिंग, वो कोई भी तुम किसी को भी गली में पकड़ के लेके जा सकते हो, भाई चल तेरे कोर्स करवाता हूँ, कोई भी करवा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन है वो स्टडी है। उसमें सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर क्या है, 10th में आपके चाहिए मेरे को इंग्लिश में 40% से ऊपर मार्क्स, और 12th में अगर आपके कुछ भी मार्क्स हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, मेन 10th होती है। अब जब तुम ये चीज़ कर लेते हो,
उसके बाद तुम अप्लाई करते हो कोर्स के लिए, तब तुम्हारी लाइफ स्टार्ट होती है। लाइफ स्टार्ट होने के बाद सारा कुछ तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है जो तुम सी टाइम कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि पढ़ाई को साइड में कर दो, फिर तुम्हारा सी टाइम से एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सी टाइम से एक्सपीरियंस जब आता है उससे तुम्हारा सी सर्विस बढ़ता है, उससे तुम्हें वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट मिलता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो ओपन सिटी वाले को कह रहे हैं 15 महीने मिलता है, कोई कह रहा है कि भैया, लेकिन यार वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसको अवॉइड करो। पर जो लोग अभी हो, जिन लोगों ने ओपन सिटीज निकाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत किया वैसे किया, इन इन फ्यूचर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गया है, DG काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, और जो उनके रूल रेगुलेशन है मैं सिर्फ वही बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में ईजी हो, तुम्हारे फ्यूचर को ईजी एक लुक मिल जाता है। क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ कि मतलब मुझे कोई इंस्टीट्यूट बता रही है या फिर कोई कुछ कह रहा है तो मैं उनके अकॉर्डिंग बोलूँ। सीरियसली मैं खुद से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ वैन इट कम्स टू माई मर्चेंट डेवी थिंग। ओके, मर्चेंट डेवी में हमेशा मैं अपने आप पे भरोसा किया है और जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, एंड रिजल्ट आप सबके सामने है। सो एनी हाउ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ अगर जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप डाल सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है, और आपका IMUCET भी है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप भी काफ़ी, जैसे अभी मास की भी ओपन हुई थी, ये सब चेक करते रहा करो, होती रहती है ओपन, कोई इशू नहीं है इसमें, आप एक्टिव भरो तो सही। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।